मैं कल जाऊंगी उन्हें देखने दोबारा। क्यों, तुम क्यों जाओगी उसके घर, तुम्हें क्या जरूरत है? ये सवाल कहाँ से आता है? मैंने जो अभी कहा तुमने सुना नहीं? आई थिंक आई शुड बी देयर विद हिम एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, जब तक वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाते। और तुम कब से इतनी इनसेंसिटिव हो गई हो? बेटा, उसके कहने का मतलब है आर्यन अब अपने घर वालों के साथ है, यकीनन वो उसका ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन तुम्हें अब अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए। बाबा, आई थिंक उनके साथ जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, और मैं ये जिम्मेदारी अपने अंदर फील कर रही हूँ कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। और वैसे भी अगर मैं नहीं गई तो ठीक तो वो हो जाएंगे, मगर मुझे बुरा लगता रहेगा, तो इसलिए आप मुझे मत रोकें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना होगा? आर्यन के लिए भेजा था डॉक्टर ने, मैं उनको देखने आई हूँ। आर्यन तो किसी को नहीं पहचानता। जी मैं जानती हूँ आंटी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मैं हेल्प कर सकती हूँ। ओह, तो तुम हो वो केयर टेकर? नहीं, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। कैसे करोगी मदद? कोई डिग्री है तुम्हारे पास? डिग्री तो नहीं है। मैं अगर चाहूँ ना तो मैं 10 मिनट के अंदर अंदर इस मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर्स और नर्सों का पैनल खड़ा कर सकती हूँ। तो आई थिंक हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग। जी आंटी, मैं बिल्कुल जानती हूँ आप किसी भी डॉक्टर को बुला सकती हैं, मगर आर्यन के डॉक्टर ने कहा है कि उनकी मदद सिर्फ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम सिर्फ मैं उनके साथ थी, शायद इसलिए। आर्यन किसी को भी नहीं पहचानता, ना वो घर पहचान रहा है, ना अपना कमरा पहचान रहा है, ना अपनी चीज़ें पहचान रहा है, ना अपने दोस्तों को पहचान रहा है, और तो और वो मुझे भी नहीं पहचान रहा, तो तुम्हें कैसे पहचानेगा? तुम हो कौन? प्लीज़, आई थिंक यू शुड लीव। प्लीज़, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैं पहले ही बहुत गिल्ट में हूँ, आप ऐसे मुझसे बात ना करें। ओके, हेलो, जाओ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखे, ये कौन है? ये आप हैं आर्यन, आप इसमें हीरो थे। ये वाला देखें, ये प्रोजेक्ट तो इतना हिट हुआ था, इस पे आपको अवार्ड मिला था, याद है? कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा अवार्ड? शहबानो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम, क्यों परेशान कर रही हो मेरे बच्चे को? आंटी, मैं आर्यन को सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हैं कौन, इन्हें सब कुछ भूल गया वह। हाँ, लेकिन अभी उसके जख्म तो भर लेने दो ना, अभी तो उसके सर पे चोट है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आप डॉक्टर से बात कर लें, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, अगर वो कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं क्यों करूँ डॉक्टर से बात? हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम उल्टा हमें परेशान कर रही हो। प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज, प्लीज, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, बस कर दे, मेरा दिमाग फट रहा है। देखा, कह रही थी ना तुमसे कि वो परेशान हो रहा है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आर्यन को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, मैं नहीं। खुदा हाफिज़। जाओ शेरबानो। दिल का क्या करें, बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।